हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर वन यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पैरामेडिकल के अंतर्गत कितने प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं इसके बारे में प्रॉपर ढंग से जानकारी देने वाला हूं, है ना। जैसा कि सभी विद्यार्थी दोस्तों बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर देते हैं, प्रवेश परीक्षा दे देते हैं, बट उसको उनको ये नहीं पता होता है कि इसके अंदर कितने प्रकार के कोर्सेज हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत कितने प्रकार के कोर्स हैं वो शो करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, हर एक कोर्स के बारे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है और आप भी सोच रहे हैं पैरामेडिकल की तैयारी करना या पैरामेडिकल में अपना स्कोप बनाना, है ना, तो आप लोग दोस्तों हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पैरामेडिकल की तैयारी को भी बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कोर्सेज के बारे में जानते हैं कि अगर हम लोग दोस्तों पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हम लोगों के लिए कौन कौन सा फील्ड ओपन हो जाता है, यानी हम लोग कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ मिल ही रहा होगा, ये सभी कोर्सेज दोस्तों बिहार पैरामेडिकल के मात्र एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद इन सभी कोर्सेज में किसी एक में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम से ये सभी कोर्सेज आप कर सकते हैं। याद देखिए दोस्तों, पहला और दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों जीएनएम और एएनएम। ये दोस्तों केवल और केवल लड़कियां कर सकती हैं। अब आपके मन में डाउट होता है कि सर जीएनएम हम करना चाहते हैं, लड़के लोग तो सरकारी कॉलेज से नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। ध्यान रहे, अब बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि सर एएनएम जीएनएम हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, तो बच्चा लोग मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि आप लोग नहीं कर सकते, केवल और केवल लड़कियां कर सकती हैं। अब कौन लड़कियां दोस्तों जीएनएम कर सकती है और कौन लड़कियां एएनएम कर सकती है, इसका भी है दोस्तों। तो जीएनएम करने के लिए दोस्तों जो गर्ल्स हैं उनको ट्वेल्थ में दोस्तों मेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट से पास होनी चाहिए वो बायोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि इनका पीसीबी होना चाहिए, ठीक है। जीएनएम के लिए क्या होना चाहिए, पीसीबी ये फॉर्म में फिल करना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग एएनएम करना चाहते हैं तो एएनएम के लिए कौन कौन सी लड़कियां एलिजिबल है, तो एएनएम के लिए दोस्तों, है ना, अगर आप लोग आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ट्वेल्थ पास आउट होना अनिवार्य है। ये सभी कोर्सेज दोस्तों ट्वेल्थ पास वाले विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। अगर आप लोग ट्वेल्थ पास है किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स कॉमर्स कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसमें इंग्लिश होना अति आवश्यक है, इंग्लिश होना अति आवश्यक है। अगर आपके कोर्सेज में इंग्लिश नहीं है, ऐसे बिहार बोर्ड में तो हर में सर इंग्लिश लेना फिक्स है, तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं बिहार बोर्ड में। अगर अदरवाइज और भी चीज़ें हैं, जैसे और भी जगह के हो जाते हैं ना, जैसे एमपी बोर्ड हो गया, वहाँ पंजाब बोर्ड, वहाँ पे इंग्लिश न भी ले पाते हैं, तो अगर जो जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है वो एएनएम नहीं कर पाएंगे लड़कियाँ, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा नंबर पे आता है, जो कि अब मैं जो भी कोर्सेज बता रहा हूँ वो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लड़का और लड़की अब दोनों कोर्सेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना, जिसको हम लोग एलटी के नाम से भी जानते हैं, है ना, लैब टेक्नीशियन जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये लैब टेक्नीशियन दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, और इसके लिए दोस्तों आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट होना अति आवश्यक है, पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना अति आवश्यक है। अगला दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए भी आपको पीसीबी होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, बस समझते चलिए। देखिए ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दोस्तों, इसके लिए भी दोस्तों आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही पास होने चाहिए, ठीक है। अगला है दोस्तों ऑप्थल्मिक असिस्टेंट, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैं, है ना, यानी कि आपने दोस्तों ट्वेल्थ में फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, हिंदी और इंग्लिश पढ़ा, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कौन सा कोर्स, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट को, ठीक है। आप लोग को किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, है ना, कि सर ये ऑप्थल्मिक में क्या होता है, ओटी में क्या होता है, तो आप लोग दोस्तों गूगल का सहारा ले सकते हैं, वहाँ से इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो। देखिए दोस्तों अगला है दोस्तों, है ना, मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, है ना, ये सब टेक्नीशियन और असिस्टेंट का जॉब होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर के साथ रहने वाला, डॉक्टर से थोड़ा सा नीचे वाला ये पैरामेडिकल होता है,
अगर डॉक्टर लेवल का है तो आपको MBBS का कोर्स करना पड़ेगा जो कि नीट क्वालिफाई करके करा जाता है। तो हम लोग तो पैरामेडिकल के बारे में बात कर देखे, रेडियोलॉजी आता है। इस कोर्स के लिए दोस्तों PCB होना चाहिए, मैथ वाले के लिए यही कोर्स है। आगे देखिए, सेनेटरी इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों PCB होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये कोर्सेज देख सकते हैं दोस्तों। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, PCM होना चाहिए। अगर आपका बायोलॉजी है कोई दिक्कत नहीं, आप बायोलॉजी वाले भी PC ये कर सकते हैं क्या दोस्तों, फार्मेसी। अब जो कोर्सेज आएगी सारे बायोलॉजी के लिए, सारे स्टूडेंट जो बायोलॉजी से हैं उनके लिए, मेन सब्जेक्ट जिनका बायोलॉजी है, है ना। यहाँ देखिए, ऑर्थोपिक्स और प्लास्टर टेक्नीशियन, ये 19 नंबर कोर्स मैंने लिखा है ना, ये भी दोस्तों जो है बायोलॉजी वाले के लिए। इधर देखिए 10 नंबर फिजियोथेरेपी, ECG टेक्नीशियन, है ना क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना, ऑर्थोपिक्स और क्या दोस्तों, प्रोस्टोथेरिक्स, हॉस्पिटल डेमो कलेट्री एंड केयर असिस्टेंट, ये भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में केयर का असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जा करके आप काम भी कर सकते हैं। 50 नंबर देख लीजिए, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी बन सकते हैं इसके थ्रू, है ना। डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स है, डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी कोर्स इसमें अवेलेबल है। तो इतने सारे कोर्सेज अभी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 2022, 2023, 2024, है ना, ये सभी के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला, है ना, लगातार अभी इतना कोर्स रहेगा। इससे हो सकता है बढ़ जाए तो मैं अपडेट इस चैनल के माध्यम से दूंगा, लेकिन आपके लिए सर इतना कोर्सेज अभी है, समझ रहे हैं। ANM नहीं मिला तो इतने में से कोई ना कोई कोर्सेज मिल जाएगा ना, तो आप लोग ज़रूर अपना चॉइस कर लीजिए कि आपका कौन सा इसमें से फेवरेट कोर्स है, और उसी तरीके से तैयारी में लग जाइए, है ना। CTE की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल पर जा करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना, इन सभी में से किसी एक कोर्सेज में आपका एडमिशन होना, तो आप हमारे साथ आज ही जुड़िए आपके अपने टोटल लर्निंग के ऐप पे, और वहां पे आप लोग तैयारी करिए हमारे साथ पेड कोर्सेज में जुड़ करके, जहां पे ये डिटेल आपको दिख रहा है, इस डिटेल के माध्यम से आप लोग हमारे टोटल लर्निंग ऐप पर जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।